हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड क्रस में आप सबका स्वागत है। आज निशा की रसोई में बनाने जा रहे हैं ठंड में बनने वाली सेहतमंद गुड़ की चाय, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है। ठंड में पीजिए, इसे ठंड नहीं लगेगी। और गुड़ में आपको पता ही होगा कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फैट इसमें बिल्कुल नहीं होता, वसा इसमें बिल्कुल नहीं होता। गुड़ हमारे खाने को पचाता है और हमें किसी न किसी रूप से गुड़ को लेना चाहिए। कई बीमारियों से हमें लड़ने के लिए ताकत देता है, तो गुड़ फ़ायदेमंद है। तो इसकी चाय बनाइए, और इस चाय बनाने के लिए कुछ ट्रिक याद रखना है, नहीं तो हमारी चाय बिल्कुल फट जाएगी दूध वाली। अगर काली बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर दूध वाली जिन्हें बिना दूध की चाय पीना पसंद नहीं है तो वो कैसे बनाए। तो यहाँ पर एक कप पानी ले लिया है, स्वाद के अनुसार मीठा आप लीजिएगा उस हिसाब से गुड़ लीजिएगा। आधा इंच अदरक लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया है। 1.5 चम्मच चाय पत्ती ली है और दूध फ्रेंड जितना हमने पानी लिया है उतना ही हमें इसमें गुनगुना दूध लेना है, मतलब अच्छे से गर्म हुआ पकाया हुआ दूध लेना है। इसमें कच्चा दूध हमें इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ टिप्स को ध्यान रखिएगा तो आपकी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल फटेगी नहीं। यहाँ पर एक मैंने पैन रख लिया है, चाय पैन गैस पर कर रख लिया है और उस पर गैस को ऑन कर दिया है। 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, साथ में ही हमने जो अदरक कस के डाला था वो डाल लिया है। अदरक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अदरक को पहले चेक कर लीजिएगा, अदरक ख़राब ना हो, ख़राब होगा तो हमारी चाय फट जाएगी, ये याद रखिएगा। अदरक हमारा कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और डाल देना है चाय पत्ती और इसे आने देना है एक अच्छा सा बॉयल। साथ ही साथ हमें इसमें मिठास के लिए जितना गुड़ चाहिए आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे गुड़ लिया था, उसमें से थोड़ा सा गुड़ हम हटा देंगे क्योंकि यही गुड़ हमें पर पूरा लग रहा है कि पूरा हमारा मीठापन ना हो जाएगा हमारी चाय में। तो जितना आपको मीठा करना है उस हिसाब से गुड़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गुड़ भी साथ में डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसे चाकू से कट कर लिया है कि जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा, और इस तरह से हम बीच बीच में हिला देंगे जिससे कि हमारे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट अपनी चाय को पकानी है। और गुड़ का जो है फ्रेंड्स बहुत गुड़कारी होता है, ठंड से बचाता है, कई बीमारियों से बचाता है, हमारे गले में खराश होती है, सर्दी जुकाम होता है उससे गुड़ हमारे जो गुड़ है लड़ने की शक्ति देता है। और एंटीबायोटिक पाया जाता है इसमें जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो गुड़ हर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, गरम दूध में डालकर पी सकते हैं। जैसे हल्दी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है वैसे गुड़ भी फ़ायदेमंद होता है। हमें बच्चों को रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद आप गुड़ आप दे रहे हैं तो खाना पचने में भी, किसी को भी दे सकते हैं, खाना पचने में भी बहुत लाभदायक होता है। हमारे खाने को अच्छे से पचाता है और हमें जुकाम सर्दी जैसी बीमारियों से भी दूर रखता है। तो आपको भी पता है हमारी जीवन शैली में आजकल जो कोरोना का प्रकोप था उसे दूर आप कर सकते हो, और गुड़ का जो बहुत ही गुड़कारी है उसे आप थोड़ा सा आप अपनी जीवन शैली में आप डेली का रूटीन बनाकर लीजिए तो जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। आप बाहर से मार्केट से आ रहे हैं, पोल्यूशन वाला टाइम है, कोई भी है, आप घर में एंट्री करते ही आप जो गुड़ मुँह में डाल लेते हैं ना, गुड़ को खा लेते हैं, तो सारा पोल्यूशन आपका गुड़ अंदर ही निगल जाता है और बीमारियों से हमारे शरीर को रक्षा करता है। यहाँ 3 मिनट करीब हो गया, इसे हमें मीडियम आंच पे पकाते हुए अब गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें डाल देंगे दूध। अब दूध में एक ही खौल आने देना है हमें, इस चाय में बस एक खौल आना है क्योंकि हमने दूध को अच्छे से पका लिया है, पानी को अच्छे से पका लिया है। बस एक ही खौल के बाद हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देना है फ्रेंड्स। बस ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जग टाइम है जो हम चाय बनाते हैं गुड़ की, कि बस एक खौल लाना है और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना है। नॉर्मल चाय के लिए जैसे हम चाय और दूध को अच्छे से पकाते हैं उस तरह हमें नहीं पकाना है, नहीं तो हमारी चाय फट जाएगी। तो बस यहाँ पर क्योंकि दूध को भी हमें पका लिया है अच्छे से और जो दूध गर्म था, और उसके बाद हमने यहाँ पर पानी जो था उसे भी गुड़ के साथ अच्छे से पका लिया है, चाय पत्ती अदरक सब कुछ। तो बस यहाँ पे आ गया हमारा खौल, अब यहाँ पे बंद कर देंगे गैस। अब इसे हम फटाफट छान लेते हैं गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय, जिसको पीते ही सारी थकान दूर हो जाती है। तो यहाँ पे छान लेंगे हम केतली में अपनी चाय।
और बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो ट्राई करिएगा कि चीनी जो हमारी शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और चीनी फ़ायदेमंद नहीं होती है, तो आप गुड़ की चाय को भी आप बनाकर ट्राई करिए। जिसे गुड़ खाना पसंद है या ले सकते हैं, तो आप इस तरह से एक बार दिन भर में चाय ज़रूर लीजिए जो कि आपको पसंद आएगा। बच्चों को दीजिए, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है गुड़ की चाय, तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो ये अगर रेसिपी आपको पसंद आती है फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। फ्रेंड्स फैमिली हो, सोशल मीडिया मेरे चैनल मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप बस इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए और मेरी रेसिपी को आप पसंद करते हैं उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। गुड बाय।